अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। इन के आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी। डी मोरगन लॉ, तो ये क्या होता है वो आप देखते हैं। मेंशन कर रहे हैं द नेगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट, यानी नेगेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। द इनवर्स ऑफ एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्वलेंट टू द ऑल स्टेटमेंट, यानी कि अगर एंड का हम इनवर्स लें तो वो किसके इक्वल होगा, ऑल स्टेटमेंट के इक्वल होगा। तो उसका अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू, ठीक है, सिंबल दिए हुए। इसी तरीके से आ गया तो ये कह रहे हैं नेगेशन ऑफ एन ऑल स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट का आप कर दें अपोजिट, तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ एन ऑल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्वलेंट टू द एंड स्टेटमेंट, ठीक है, इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई अगर ये और स्टेटमेंट है, ठीक है, ये और स्टेटमेंट है, अब नेगेशन और स्टेटमेंट अगर हम इन दोनों का नेगेशन ले लें और उसको एंड कर दें तो हमारे जो है वो दोनों एक बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से एक जो है वो प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, ये जो है कह के सब प्रूफ करो कि वहाँ नेगेशन है नहीं है, ठीक है। अब दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए, हम बोल देंगे हाँ भाई ये नेगेशन है, ठीक है। टीमों के थ्योरम से आपको ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास ने वो आपने वही किया, आपके पास क्या है पी क्यू, आपके पास है टू वेरिएबल, टू की पावर टू क्या हो गया फोर, आप लिख दिया पी क्यू, टू ट्रू फॉल्स फॉर ट्रू फॉर ट्रू फॉर आपने लिख दिया, ये आपको बताया कि सही से आया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने देखा इसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमने आप ब्रैकेट लिख दिया पी पी और क्यू हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसका क्या है इन्वर्स अभी भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमारे पास पी इन्वर्स है क्यू इन्वर्स ये भी लिख दिया, हमारा क्या बचा भी बचा, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया कि पी का इन्वर्स क्या होता है, पी का इन्वर्स क्या होता है, ये होता है टू फॉल्स टू फॉल्स फॉल्स टू फॉल्स टू, ठीक है। इसी तरीके से क्यू क्या होता है, क्यू का इन्वर्स क्या होता है, क्यू का इन्वर्स भी ये होता है, ठीक है, ट्रू होगा फॉल्स होगा फॉल्स होगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ अब पी को करना है और क्यू, अब पी और यू और में क्या होता है भाई, अगर फॉल्स फॉल्स होता है बस और बाकी सारे ट्रू हो जाता है, अब फॉल्स फॉल्स हो गया बाकी सारे ट्रू होगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्ट क्या होगा, यहाँ ट्रू होगा फॉल्स होगा, लेकिन ट्रू होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अब दोनों स्टेटमेंट जो आनी वो हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों का एंड लेते तो क्या होगा, ठीक है, एंड एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होगी ट्रू होगा उन्हें सारा फॉल्स होगा, अब देखें यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं तो क्या हो गया, ट्रू हो गया बाकी सारा फॉल्स। तो आप ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये प्रूफ हो गया भाई कि बाकी नेगेशन है ये, ठीक है। अगर हमारे पास एक लॉ अगर एंड स्टेटमेंट हो तो वो और स्टेटमेंट में जाकर नेगेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, द नेगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज इक्वल टू एंड स्टेटमेंट इन विच इज ईच कंपोनेंट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको यहाँ प्रूफ हो गया ये दोनों इक्वल हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, गिव नेगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये कह रहा है कि नेगेशन निकालो स्टेटमेंट का, यानी इसको नॉट करो, उसको उल्टा कर दो। अब ये मैं कह रहा था फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट, द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट, अब इसका नॉट करना है यानी नेगेशन करना, तो क्या होगा द फैन इज स्लो, अब क्या होगा द फैन इज नॉट स्लो, सिंपल नेगेशन लिखा होता है क्या होगा नॉट स्लो, ठीक है। और इट इज़ वेरी हॉट, अब ठीक है कि हमने एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट, हमें इसका इट इज़ वेरी हॉट इट इज़ नॉट वेरी हॉट, ठीक है। अब डी मोरगन थ्योरम में वो ये कह रहा है कि आपको आपका ये डी मोरगन लॉ का रूल होता है कि जहाँ और होता है वहाँ एंड हो जाता है, जहाँ एंड होता है वहाँ और हो जाता है। तो देखें अगर हम इस अनफिट तो क्या होगा, अगर हम नॉट अनफिट सलीम इज इंजर्ड, तो सलीम इज नॉट इंजर्ड, अब एंड जाके आ गया और, यहाँ और तो एंड आ गया, एंड हो गया और आ गया, ठीक है। अब इन इक्वलिटी एंड डी मोरगन लॉ, ठीक है, अब वो उसने आपको एक स्टेटमेंट दिए हुए, वो कह रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट दी हुई है, आप उन्होंने इसका समझाया हुआ है, इसमें इसका मतलब ये है कि भाई एक्स जो है वन से बड़ा है, ठीक है, एक्स जो है वो वन से बड़ा है, जबकि यहाँ पे एक्स जो है वो छोटा है इक्वल टू फोर, यानी एक्स बड़ा है माइनस वन के और एक्स जो है वो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है फोर के, ठीक है, ये आपको बताया है। अब इसका नेगेशन करना है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट देखिए, ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, सिंपल आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये दी हुई है, इसको यहाँ बताया हुआ है, इसको ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन भाई ये होगा कि अगर ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन, ये अगर लेस देन है ग्रेटर देन, ठीक है, ये हुआ बट देखें यही हुआ, अब जहाँ पे एंड की जगह आ गया और, तो ये इसका अपोजिट हो गया तो क्या हो गया नेगेशन हो गया। अब आगे मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए पी एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है, ठीक है, क्यू हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू फोर है, अब पी का नेगेशन होगा तो क्या होगा, पी का नेगेशन क्या होगा, सिंपल आगे नेगेशन का तो क्या होगा, ये इन्वर्ट हो गया इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। अब क्यू का नेगेशन क्या होगा, क्यू का नेगेशन देखें ये इसका सिंपल आ गया, तो ये ग्रेटर देन फोर होगा, ठीक है। अब क्या नेगेशन ऑफ ये और ये, ठीक है, आप उसको सिंबल में
रिप्रेजेंट किया हुआ। देखें एक्स ग्रेटर देन माइनस वन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू फोर। एंड में क्या हो रहा है, एंड में देखें यहाँ आ गया ब्रैकेट और सिंबल आ गया, तो इसको सिंबल फॉर्म में लग दिया। और में क्या हो रहा है, और में ब्रैकेट नहीं आ रहा है, और में ब्रैकेट नहीं आता, ठीक है। तो एंड तो नेगेशन पी ओवर आर नेगेशन क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल आ गया आपका, ये हो गया आपका डी मोर्गन्स लॉ। अब आपको ये कह रहेगा भाई कुछ एक्सरसाइज दिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपने दिया भाई आप सॉल्व कर लेगा, जो कि लॉजिकल इक्विवेलेंट आने चाहिए, यानी इनके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए, ठीक है। आप आए मेन टॉपिक की तरफ। अब ट्यूटिव लॉजिक क्या होती है, ठीक है। ट्यूटिव लॉजिक इज अ स्टेटमेंट फॉर दैट इज ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं टी से, ठीक है। ट्यूटिव लॉजिक टी, ठीक है। स्टार्ट टी से हो रहा है तो इससे क्या होगा, टी सिंबल टी हो गया, ठीक है। अब आगे आप आपको एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पर, ठीक है। द स्टेटमेंट फॉर्म पी और इन्वर्स पी इस ट्यूटोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पी दिया है ट्रू फॉल्स, अब इसका इन्वर्ट क्या हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ठीक है। अब पी को अगर हम और कर दें इसके इन्वर्स, यानी इन दोनों को अगर हम और कर दें तो क्या होगा, ठीक है। और में क्या होता है, जहाँ फॉल्स होता है वहाँ फॉल्स आता है, लेकिन यहाँ फॉल्स फॉल्स है ही नहीं, क्या हो गया ट्रू, यहाँ सारे ट्रू हो गए, तो एंड में सारे ट्रू हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ट्यूटोलॉजी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्यूटोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक पल आपके टीके, यानी किसके ट्यूटोलॉजी के, ठीक है। अब कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म इज ऑलवेज फॉल्स, जो कि हमेशा फॉल्स होता है, यानी हमेशा होता है गलत, ठीक है। एंड कंडक्शन इज रिप्रेजेंट बाय सी, ठीक है, जो कि किससे इक्वल से किससे होता है रिप्रेजेंट, होकर इक्वल होता है सी से, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रूव द स्टेटमेंट कंडक्शन, वी विल मेक द ट्रुथ टेबल, हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और द एंट्रीज विल बी फॉल्स, अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी से शो करते हैं और स्टेटमेंट क्या आती है, फॉल्स आती है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ऊपर पर यह था कि भाई इसके स्टेटमेंट सिंपल जो है टी से सारी वैल्यू आती है टू टू, इसका सिंपल क्या है सी, लेकिन क्या आती है वैल्यू, फॉल्स आती है, ठीक है। आप इसको देखते हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसको हमने करना है प्रूफ, देखें पी दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि एंड करो, पी को एंड कर दो, ठीक है, इससे, ठीक है। टी ट्रू फॉल्स, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसको एंड कर दो, एंड करने करेंगे तो क्या आएगा, एंड हमें पता क्या होता है, टू टू यानी टी टी के इक्वल होता है, ठीक है। और बाकी सारी फॉल्स होते हैं, देखें यहाँ पर दोनों में टी नहीं है, तो क्या हो गया फॉल्स, एंड में क्या आ गया, सारा फॉल्स होता है। इस मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिंस इन द लास्ट कॉलम या ट्रुथ टेबल वी हैव एफ इन ऑल सिंबल, कह रहे हैं एफ सारी एंट्रीज में, सो इट कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन था आई, इसको क्या हो गया सिंबल पी एंड इनवर्ट पी इज इक्वल टू सी, किसके इक्वल हो गया, कॉन्ट्रेक्शन के इक्वल हो गया, ठीक है। अब रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं, रिमार्क्स में कह रहे हैं भाई कि बहुत स्टेटमेंट आर मेथड ट्यूटोलॉजी इज नॉट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मोस्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो ऐसे नहीं होती, फॉल्स और ट्रू नहीं होती, कुछ ट्रू भी होती है फॉल्स भी होती है, ठीक है। तो एक रिमार्क्स बता रहे हैं कि भाई कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि सारी फॉल्स हों सारी ट्रू हों, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होती है, ठीक है। मेथड ट्यूटोलॉजी इज नॉट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, वो होती नहीं है। नेगेशन ऑफ ट्यूटोलॉजी इसका कॉन्ट्रेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई अगर नेगेशन लेंगे हम ट्यूटोलॉजी का, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंडक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेगेशन ऑफ टी इज इक्वल टू सी, इसी तरीके से इसका अपोजिट क्या होगा, इसका इनवर्स सी, इसे हो जाएगा टी के इक्वल, ठीक है। तो ये बोलने यहाँ पे इन कॉमन जो है सेम टाइम सीडर टू स्टेटमेंट आर कंडक्शन, ठीक है। हम सेम टाइम बोलते हैं कि दो स्टेटमेंट जो है वो कंडक्शन के है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखो आई एम लिव इन कराची एंड लाहौर, तो इसमें से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी कॉन्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है बाय दिस मीन्स वी डेट दिया कंडक्शन इज कंडक्शन दिया कि नॉट बोथ ट्रू, ठीक है, जो कि दोनों ट्रू नहीं होते हैं, हमने स्टेटमेंट देखी दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। कोई एक पॉसिबल हो सकती है, या तो वो कराची में होगा या फिर वो लाहौर में होगा, ठीक है। वो कह रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंट ट्यूटोलॉजी, ठीक है। अब शो डेट पी एंड टी इज इक्वल टू पी, ठीक है, शो डेट पी एंड इक्वल टू टी, ठीक है। पी लिखा हमने ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब टी में क्या होता है, टी में हमारे पास ट्रू ट्रू होता है, ठीक है। अब पी को अगर हम एंड करें टी से, टी में तो क्या होता है, सारे ट्रू होते ट्रू होते होते हैं, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। अब देखें ट्रू ट्रू हो रहा है, अब देखें सिंस इन अबव टेबल द एंट्रीज इन द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी सेम हो रही है, ठीक है। सो वी कैन लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट फॉर्म द लॉजिकल इक्विवेलेंट दैट इज, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इक्वल, क्योंकि यहाँ पर सारे ट्रू आ रहा है, ठीक है, एंड में। अब इसके आगे तो वो कह रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट मॉड्यूलेशन कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, पी, ठीक है, सी में सारे फॉल्स हो गए, पी में हो गया टू एक फॉल्स टू फॉल्स, यहाँ पर टू टू, और सी में क्या होता है सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है, एंड, ठीक है। अगर हम इसका एंड लें तो क्या होता है, एंड सारे क्या होता है, टी इक्वल होता है टी के, ठीक है, क्या हो गया टी इक्वल होगा टी के, बाकी सारे क्या हो जाएंगे फॉल्स। तो आप देखें टी इक्वल टी के नहीं है तो क्या हो गया, सारे फॉल्स हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सारे फॉल्स। तो आप कह रहे हैं देयर आर सेम ट्रू वैल्यू इन द आइडेंटिकल कॉलम, सो पी एंड सी इज इक्वल टू सी, तो क्या हो गया आपके सारे क्या हो गए, सी के इक्वल हो गए, यानी एफ इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपल ना ये बताया गया, तो ट्रुथ टेबल टू शो डैट पी, और ये हमारे साथ ट्यूटोलॉजी है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, अब वो कह रहे हैं भाई अगर स्टेटमेंट वो कह रहे हैं शो करोगे
टोटोलॉजी है। तो आपने करना क्या है, आपने एक क्वेश्चन दिया, आपने वही करना जो ऊपर करते हुए हैं, आपने कर लिया। आपने क्या करना, आग बंद करके आम लेना टी डी टी क्यू, वो क्या कह रहे सारे टोटोलॉजी है, ठीक है। आपने ये कर लिया, आप इसमें जो आउटपुट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें पी क्यू लिख दिया, ठीक है, पी का हमने एंड ले लिया, पी का हमने और ले लिया, इसका इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका इन्वर्ट करने के बाद ये हमने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं एंड में जो कह रहे हैं वो आपको ये कह रहा है कि पी एंड क्यू को अगर हम और कर दें इसके साथ तो हमारे पास आउटपुट क्या है, ये आएगा। आपने पता है और में क्या होता है, फॉल्स के एक पर होता है फॉल्स, इसके अलावा सारे ट्रू होता है। आप देखें यहाँ पे एफ कहाँ पे, एफ कहीं भी नहीं है, तो क्या होगा, सारे आपके ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सारे स्टेटमेंट में आपकी टोटोलॉजी है, ट्रू है सारी, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिया आपने यहाँ पे, और आपने इसको सिंपल फॉर्म में ट्रू कर दिया, ये जो है आपकी ट्रू के क्वालिटी और प्रूफ हो गया आपके, ठीक है। इसी तरीके से आपको केवल दिया हुआ कॉन्ट्रेक्शन शो करना है। कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, हमारे पास सारे जो एंड सिंपल जो सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल जैसे ऊपर के वो आप कर देंगे, तो एंड में देखें यहाँ पे हम देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड में क्या होता है ट्रू ट्रू होता है सारे, अगर ट्रू ट्रू हो तो ट्रू फाइव, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं। यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सारे फॉल्स होगा, ठीक है। अब आते हैं लॉस ऑफ लॉजिक। अब लॉस ऑफ लॉजिक में क्या होता है, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, या पढ़ के आ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर ए बी, अगर ए बी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू के बाद वो भी बी से ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ए पी और बी प्लस हो रहा है तो वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर प्लस होता है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और इनके सिंबल भी मतलब वेरिएबल भी सेम होते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में ये होता है भाई, अगर ए प्लस बी प्लस सी से हो रहा है तो उसके इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में तो ये हो रहा है पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पी क्यू आर, तो ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, अगर अब ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, इक्वल टू के बाद ए बी से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है, पी क्यू से मल्टीप्लाई हुआ उसके, और उसके बाद क्या हो गया, पी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। पी देखें यहाँ पर पी था, पी एस से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए पी क्यू आ गया, पी आर से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, पी आर आ गया, ठीक है। सही सही हो गया। अब आइडेंटिकल लॉ क्या होता है, आप नाम से लग रहा है आइडेंटिकल मतलब होते हैं सेम, ठीक है। अगर आप पी को मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आएगी। अगर पी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से क्या होगा, फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब नेगेशन लॉ क्या होता है, इनवर्स होता है, अगर पी अगर ट्रू है उसका आप नेगेशन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। अगर आप पी अगर फॉल्स अगर आपका उसका नेगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रू की जगह टी लिखा हुआ, फॉल्स की जगह सी लिखा हुआ, नेगेशन सिंपल ही होता है। अब डबल नेगेशन क्या होता है, हम पढ़ के आते हैं, इस एग्जाम्पल भी देख के आते हैं, नेगेशन लॉ के देखिए, नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, तो हमने इसको प्रूफ किया था स्टेटमेंट में कि डबल नेगेशन इक्वल होता है पी के, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ठीक है, ट्रू इक्वल होता है ट्रू के, ठीक है। तो ये हम देख के भी आते हैं, हमने इसका प्रूफ भी किया था, सोल्यूशन भी किया था और टेबल भी किया था, ठीक है। तो ये हो गया आप डबल नेगेशन लॉ। एडम्पटम लॉ क्या होता है, फर्स्ट कह रहे हैं एक सेट होता है, आपने पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, ठीक है। अब एक सेट है वन टू थ्री यूनियन फोर फाइव सिक्स, तो क्या होगा, अब हम इसका यूनियन करें तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल में रखा आ जाएगा। तो सिंपल एडम्पटम लॉ में यही होता है, ठीक है। वो भी एक क्वेश्चन आ गया आपको सिंपल, ठीक है, पी एंड पी, तो पी लिख दिया आपने, पी और पी करेगा जो वैल्यू आ रही है आप सिंपल लिख देते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं, प्रूफ किया हमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होती है, हम एक प्रूफ भी करके आ चुके हैं पीछे, ठीक है। ये आपको बताया। अब यूनिवर्सल बॉन्ड लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल भाई ये होता है एक यूनिवर्सल ही होता है, ठीक है, यानी एक कॉन्स्टेंट चीज़ होती है। पी एंड टी आएगा टी आएगा, पी पी का आप अगर आप ले लेंगे सी तो सी आएगा, फॉलो यूनिवर्सल होता है यानी कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, खास है नहीं, आप इसमें ऐसे बताया गया कि वो एब्जॉर्ब होता है। अब देखें इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुई, अगर आप इसको पैक कर दें तो पी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये भी पी के फॉर्म में आ जाएगा। अब नेगेशन ऑफ टी एंड सी क्या होता है, आपको पता है नेगेशन बोलते हैं इनवर्स को, अगर आप नेगेशन टी का लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, और अगर आप सी लेंगे, अगर नेगेशन ऑफ सी लेंगे तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी टी ट्रू और सी फॉर फॉल्स, यानी सी फॉर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और टी फॉर क्या होता है, ट्रू होता है। आपको पता है, आप देख के आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।